अगर आप भी शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं तो वीकेंड ट्रिप के लिए लोहागढ़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो दिल्ली एनसीआर से महज कुछ ही किलोमीटर दूर गुड़गांव के अंदर है, जहां आप वन डे ट्रिप का प्लान करके सैटरडे या फिर संडे किसी भी दिन अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ लोहागढ़ आउटिंग के लिए जा सकते हैं। लोहागढ़ में एंट्री के लिए जो फीस देनी पड़ती है वो भी नॉमिनल है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ टिकट काउंटर मिलेगा, जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ मौजूद कस्टमर केयर सर्विस काउंटर पर कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ आप देखेंगे पुरानी मोटरसाइकिल स्कूटर का शोकेस बना रखा है, जिससे आप वाकिफ हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ कितनी बड़ी खाट है, जहां बैडमिंटन रखा हुआ है। अब आते हैं लोहागढ़ के अंदर। यहां पर आपको रेड बैंड पहनना पड़ेगा, जो एंट्री पर चेक होता है। अंदर जाते ही अनोखी ढाड़ी से सफर की शुरुआत करते हैं। कुछ दूर चलते ही आपको नींबू शिकंजी का स्टॉल देखने को मिलेगा, तो अगर आप यहाँ घूमते घूमते थक जाते हैं तो आप इसको पी सकते हैं। ये ग्रामीण रसोई है, जहाँ सरसों का साग, मक्के की रोटी, जो आपको गांवों में खाने को मिलता है, वो आपको यहाँ खाने के लिए मिलेगा। और अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको जीमरवाड़ एरिया मिलेगा, जहां आप ब्रेकफास्ट, लंच जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप यहां इत्मीनान से बैठकर खा पी सकते हैं। ये दो सेक्शन हैं, चाय पकोड़े का भी ऑप्शन यहां मौजूद है और जलेबी रबड़ी का भी। क्वालिटी की बात करें तो ये जलेबी रबड़ी बहुत ही अच्छी होती है। ये पूरा एरिया खाने पीने के लिए ही बनाया गया है, जहां आप इत्मीनान से बैठकर खा पी सकते हैं। इसके बाद थोड़ी ही दूर आगे चलने पर आपको मिलेगा आराम बाग। जहां पर आप चेस, लूडो, कैरम, इंडोर गेम्स आदि खेल सकते हैं। अगर इससे थोड़ा आगे चलते ही आपको कठपुतलियों का डांस देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा और आगे चलने पर यहाँ पोटरी मिलेगी, जहाँ आप मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। जहाँ इसी के पास ही कैमल राइडिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इससे आगे जाते ही आपको दिखेगा जोर बाग एरिया, जहाँ आप मटकी फोड़, फ्रॉग जंप, स्नैक जंप इत्यादि मिलेंगे, और साथ ही आपको यहाँ एक मैजिक शो भी देखने को मिलेगा, जहाँ ये आदमी आपको मैजिक शो करता हुआ मिलेगा। यहाँ आप पतंग उड़ा सकते हैं और साथ ही साथ मड बाथ का भी आनंद ले सकते हैं, जहाँ आपको दो स्विमिंग पूल मिलेंगे,
जिसमें एक मड बाथ के लिए है जो पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, जिसे आप अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं जिससे आपको एक ठंडक मिलती है। दूसरा स्विमिंग पूल जिसमें आप नहा सकते हैं। जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये मटकी फोड़ है, फ्रॉग जंप कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर पतंग भी उड़ा सकते हैं। इससे अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ रस्सी कस्सी नाम का एरिया आपको दिखेगा, जहाँ बाएं साइड में आप रस्सी पर कैसे बैलेंस बनाकर चला जा सकता है ये करतब देख पाएंगे। वहीं दाहिने साइड में खतरों के खिलाड़ी नाम की जगह आपको दिखेगी, जहां आपको अलग अलग तरह के गेम्स खेलने का मौका मिलेगा, जो अपने नाम के मुताबिक ही खतरों से भरा खेल है। मिलिट्री ट्रेनिंग भी कुछ इसी तरह की ही होती है, जहां आपको डिफरेंट चैलेंजेस करने होते हैं। इसमें कुछ टास्क तो बहुत ही टिपिकल होते हैं, जैसे ये वाला टास्क आप देख भी पा रहे होंगे कि ये बस वही लोग कर पाते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं। एरिया एक हॉन्टेड हाउस है, जहां अंदर जाने पर आपको डरावनी चीजें और पुतले देखने को मिलेंगे। यहां पोल्ट्री फार्म भी मौजूद है, जहां कई सारे पशु पंछी देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप फीड भी कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने प्यारे खरगोश हैं। थोड़ा आगे जाने पर आपको निशानेबाजी, एयर गन आदि देखने को मिलेंगे, जहां गुलेल है, बंदूक है, जिनसे आप निशानेबाजी कर सकते हैं। और साथ ही यहां पर आप तीरंदाजी भी कर सकते हैं, और अगर आप डांस के शौकीन हैं तो इस कैंपस में आप उसका भी मजा उठा सकते हैं, जहां आपको डीजे की धुन पर सभी नाचते और एंजॉय करते दिख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।